किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स। किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से। ये मैं आपको अंजीर का पौधा दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें से काफ़ी अंजीर पहले हमने तोड़ लिए हैं और ये अंजीर का पौधा है। इसके अंदर काफ़ी अच्छे फल आए हैं और देखें आप कितना मोटा इसमें अंजीर आता है। ये वाला देखें आप, ये फल, इसको कितना मोटा अंजीर का फल है। तो ये मेरे पास में अंजीर की 3-4 वेराइटीज़ हैं और ओरिजिनल पौधे हैं। जो वेराइटी आपको बोलेंगे वही मिलेंगे। तो अगर आप, ये ब्राज़ीलियन वेराइटी है हमारे पास में एक अंजीर की, और ये बहुत अच्छा इसका फल आता है, काफ़ी बड़ा होता है। और एक हमारे पास वेराइटी होती है डाइना, एक होती है ब्राउन टर्किस, एक ब्लैक सीजा। तो इस तरह की 3-4 वेराइटीज़ हैं और इनको आप गमले में भी चला सकते हैं, अपने घर आंगन में भी लगा सकते हैं, इसकी खेती भी कर सकते हैं। तो अगर किसी भाई को इसकी रिक्वायरमेंट हो इस पौधे की, तो इस तरह के अंजीर के पौधे आप हमसे ले सकते हैं। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारा थोड़ा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जो है लाइक करें और शेयर करते रहें। और हम पलवल हरियाणा से हैं, काफ़ी दिन से हम आपके टच में नहीं थे। अभी दोबारा से हमने ये काम चालू करा है, बीच में थोड़ा गैप आ गया था कोरोना की वजह से, और हम थोड़ा सा, हमें काफ़ी लॉस हुआ था। जो पपाया का जो पौधे थे वो काफ़ी हमारे मर गए थे। तो अब दोबारा से इस तरह के फल वाले पौधे में आ रहे हैं। तो अगर किसी भाई को कोई भी फल के पौधे की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको सभी फल वाले ओरिजिनल पौधे गारंटी से हमारे पास मिल जाए। तो सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। हाँ तो भाइयों, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था, ये वैरायटी जो मेरे पास में है अंजीर की, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। ये वाला जो मैं आपको पौधा दिखा रहा हूँ, ये टर्किस ब्लैक जो वैरायटी होती है अंजीर की, ये बहुत अच्छी होती है और बहुत जल्दी पकती भी है। तो ये मेरे पास में एक ब्लैक टर्किस वैरायटी है। एक ये जो मैं पौधा दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला, ये एक डाइना वैरायटी है। डाइना आप देखेंगे, डाइना फिग है ये वाली वैरायटी जो है मेरे पास में। इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक है ये ब्लैक स्चिम्प, ये वाली, और एक है इसके अलावा ये वाली ब्राज़ीलियन फिग बोलते हैं इसको, ये ब्राज़ीलियन फिग होती है। तो इस तरह से मेरे पास में ये अभी 4-5 वेराइटीज़ हैं। एक वेराइटी और है जो मेरे पास में साइड में दूसरी जगह रखी है। तो ये मेरे पास में जो वेराइटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 5 वेराइटीज़ हैं अभी इस टाइम अवेलेबल। तो अगर किसी भाई को अंजीर की प्लांटेशन करनी है, या घर पे लगाना है गार्डन वगैरह में, या अपना जो है गमले वगैरह में लगा के रखना है, तो इनको आप लगा सकते हैं। और इन वेराइटियों की सबकी अलग अलग खासियत है। कुछ क्या, जैसे ये है, ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला जो पौधा है, ये रोज़ पकती है। इसमें अगर जैसे लगना चालू हो गया एक बार, तो रोज़ एक बार इसमें से 2-4 तोड़ लो, रोज़ पक जाएगी एक दो। तो ये ब्राज़ीलियन फिग है जो इसके रिजल्ट ज़्यादा है, इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, अच्छी फ्रूटिंग होती है, बड़ा फल आता है जो है आपका ब्राज़ीलियन फिग जो होती है। और इसमें फल ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है और पकता है। इससे अगली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टर्किस ब्राउन जो है, ये वाली टर्किस ब्राउन, ये पकती जल्दी है और ज़्यादा पकती है और ज़्यादा फल आता है इसके अंदर। और डाइना वेराइटी है एक, ये रही, इसमें भी बहुत ज़्यादा फल आता है और छोटे से में ही फल आना चालू हो जाता है इसके अंदर से। वैसे आपने देखा होगा, जो अंजीर का जो पौधा होता है, बहुत महंगा अंजीर का फल मिलता है मार्केट से आपको। इवन आप देखेंगे उसको 250 रुपये का जो है, आपको एक पाव 250-300 रुपये तक जो अच्छी वेराइटीज़ हैं, इस रेट में आपको मिलती हैं। और वो पैकिंग में जो मिलती हैं, वो केमिकलाइज्ड होती हैं बेसिकली। तो क्योंकि आपको कोई भी चीज़ को आप लगा के होल्ड करके रख रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल तो वो लगाते ही है। तो इसलिए इसको आप रोज़ अपना तोड़ो गार्डन में और रोज़ खाओ, तो ये आपका एक कैप्सूल का काम करती है और सारे आपको जो है न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलते हैं। तो अंजीर का जो है, आप ख़रीदने की बजाय आप घर में, होम गार्डन में, आपका खेती में इसको इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके आप ले सकते हैं। तो सभी भाइयों को मेरा, जैसे हम पहले रिक्वेस्ट भी करी है, दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और दोबारा से हम अपना कुछ पौधों के साथ में आ रहे हैं। तो मेरे पास सारे फल वाले पौधे उपलब्ध हैं, ओरिजिनल पौधे मिलेंगे, जो वैरायटी बोलेंगे जो वही मिलेगी आपको। और अंजीर की वैरायटी खासियत ये है कि इसको कभी भी लगाओ। वैसे तो इस टाइम ये बहुत अच्छा लगता है जो है आपका, नवम्बर दिसंबर में अच्छा प्लांटेशन इसका बेटर रहता है। बाकी वैसे ये राउंड द ईयर लगता है, और पौधा भी इसका बहुत रफ एंड टफ होता है, जल्दी से ख़राब भी नहीं होता है। जैसे पपाया वगैरह में हम देखते थे, थोड़ा सा पौधे ख़राब भी हो जाते हैं, कई बार लगाते टाइम भी ख़राब हो जाते हैं, खेत में भी ख़राब हो जाते हैं, इश्यूज भी बहुत हैं, बट इस तरह के इश्यूज इसके साथ में नहीं हैं।
और इसका बस ये होता है कि आपको दिसंबर महीने में, आपका नवंबर दिसंबर में इसकी कटिंग कर देनी होती है, और बेटर आपको रिजल्ट जो है फ्रूटिंग के टाइम पे 2-3 महीने में अच्छा वो फूट जाता है और अच्छी फ्रूटिंग फिर आपको देना चालू कर देता है। तो ये अंजीर का जो है आप खासियत है, और अंजीर की अगर प्लांटेशन करते हैं तो आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इसको आप मतलब साइडवेज भी वैसे लगा सकते हैं, आप जो है आपका मल्टीक्रप में भी दूसरे पौधों के साथ भी इसको आप लगा सकते हैं, या बाउंड्री पे लगा सकते हैं, या अंदर लगा सकते हैं, दूसरे पौधे आप लगाएं तो इसको ज़रूर कुछ पौधे शामिल करें इसके। तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, और सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मैं सत्यवीर सिंह सत्या नेचुरल्स पलवल हरियाणा से।